सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, एक होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। तो जो आपका नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस या फिर डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो है वाटर का सर्कुलेशन होता है। लेकिन फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर में जो होता है आपका, इसमें अदर मीडियम पंप टाइप के पंप डिवाइस यूज करके हम लोग जो है वाटर का सर्कुलेशन कराते हैं, तो इसीलिए इसको फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं और ये हाई प्रेशर पे होता है। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या करते हैं उसका वेट डिक्रीज होता है और ये जो है अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डाउनवर्ड मूव करता है और डेंसिटी जिसकी कम होती है वो अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसमें से जो लंकाशायर बॉयलर है ये एक टाइप का आपका जो है फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर है। बाकी बेंसन बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर और लेमन बॉयलर जो है ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कैपलान और प्रोपेलर टर्बाइन इन SI यूनिट में, ठीक है, कैपलान या फिर प्रोपेलर टर्बाइन का स्पेसिफिक स्पीड किस यूनिट में पूछ रहा है, SI यूनिट में। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा 250 से 850, लेकिन कुछ एडिशनल फैक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला है ये भी कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और SSC JEE में तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिपीट होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से करिए और जो भी एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का टर्बाइन के केस में, वो होता है NS=N√P/h^5/4, ठीक है। अब यही बात करें स्पेसिफिक स्पीड पंप के लिए, तो ये होता है N√Q/h^3/4। ये दोनों फॉर्मूले कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड की आंकड़े की, ठीक है। तो जो पेल्टन व्हील टर्बाइन आपका होता है उसका स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है, रेंज होता है 10 से 35, ठीक है। पेल्टन व्हील टर्बाइन के स्पेसिफिक स्पीड का रेंज होता है 10 से 35। यही बात करें फ्रांसिस टर्बाइन की, फ्रांसिस टर्बाइन क्या है, एक रिएक्शन टर्बाइन है, इसका जो होता है 60 से 300 के बीच में रेंज होता है इसका, ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन का। यहीं पे बात करें कैपलान और प्रोपेलर टर्बाइन का, तो ये होता है 300 से 1000 तक वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस रेंज में कौन सा आपसे पूछ रहा है, कैपलान या फिर प्रोपेलर टर्बाइन का पूछ रहा है, तो इस रेंज में कौन सा आ रहा है आपका, 250 से 850। तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स और जो फॉर्मूले जो बताए हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इन किलो जूल पर केजी केल्विन, कभी कभी यूनिट पूछ लेता है आपसे एंट्रोपी की, ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप लोग, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे पहले मैं बात करूँ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, तो ये ऐसा प्रोसेस इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन जब रिवर्सिबल लग गया तो ये आपका हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। कोई प्रोसेस जब हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस तो आपका हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। यहाँ पे कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने डिस्कस किए, किलो जूल पर केजी केल्विन, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। PV डायग्राम पे हम जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रा करते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस को शो कर रहा है। यही बात करें अगर TS डायग्राम पे, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे हम किस तरीके से इसको शो करेंगे, तो ये होगा आपका आइसेंट्रोपिक वर्टिकल लाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मान लीजिए 1 है, ये होगा 2, तो S1-S2=0 तब होगा जो वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए गुड स्टीम पावर प्लांट द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज इन द रेंज ऑफ, ठीक है, गुड स्टीम पावर प्लांट में जो रैंकाइन एफिशिएंसी होता है वो किस रेंज में होता है, ठीक है। तो ये होता है 35 से 45 के रेंज में होता है, ठीक है, ये तो ठीक है।
अब बात कर लेते हैं रैंकाइन साइकिल की। तो रैंकाइन साइकिल में कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन कौन से कंपोनेंट रैंकाइन साइकिल में होते हैं, और कभी कभी पूछ लेता है चार ऑप्शन में से कौन सा जो है कंपोनेंट रैंकाइन साइकिल में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका साइकिल ड्रॉ होता है। अभी बात कर लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वन से शुरू हुआ, वन से टू आपका हो गया पंप, ठीक है। टू से थ्री जो होता है आपका, ये होता है बॉयलर, यहाँ पे बॉयलर होता है, ठीक है। ये आपका टर्बाइन हो गया, थ्री से फोर, और फोर से वन जो होता है आपका कंडेंसर होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपके हो गए, पंप का यूज हो गया, बॉयलर हो गया, टर्बाइन हो गया और कंडेंसर हो गया, ये चार कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, चार डिवाइसेस यूज किए जाते हैं किसमें, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा और नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस। नाउ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस, तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा होता है सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो 1.6। यहीं पे बात कर लेते हैं अगर डाई एटॉमिक गैस के लिए, तो ये होता है आपका 1.4, ठीक है। सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, और गामा की वैल्यू 1.4 होती है किसके, डाई एटॉमिक गैस की अगर हम बात करें तो। यही अगर बात करें ट्राई एटॉमिक गैस की, अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे मोनोटॉमिक गैस कौन सा है, डाई एटॉमिक गैस कौन सा है, और जो है ट्राई एटॉमिक गैस कौन से हैं, तो ये भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जो वैल्यू होती है 1.33 वैल्यू होती है गामा की, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपका मोनो एटॉमिक गैस मतलब सिंगल एटम है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस जैसे आप क्या हो गया हीलियम, नियान, ठीक है, जिनके सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं। अब डाई एटॉमिक गैस की बात कर लें, ये हो गया H2, N2, ये सब जो है आपके डाई एटॉमिक गैस। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ट्राई एटॉमिक गैस कौन कौन से होते हैं, तो ट्राई एटॉमिक जिसमें तीन एटम है, जैसे हो गया आपका CO2, ठीक है, ये आपका ट्राई एटॉमिक गैस है। एक बार मैं और आपको बता दूं, गामा की वैल्यू जो होती है 1.6 होती है ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक की होती है 1.6, गामा की वैल्यू ड्राई एटॉमिक के लिए होती है 1.4, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 1.33, ठीक है। तो ये वेरिएशन आप लोग देख लीजिए, सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, याद रख लीजिएगा। ये तीनों अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एक होता है मेयर्स फार्मूला, CP - CV इज इक्वल टू R, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कभी ना कभी, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, एक रिवाइस होते हैं जो हीट एक्सचेंज करने के काम में आते हैं, इन ए बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में जो है आपका कितने हीट एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। तो इसमें जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, ये वाला हीट एक्सचेंजर है, और ये जो है एक हीट एक्सचेंजर ये है, तो दो हीट एक्सचेंजर यूज किए जाते हैं बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग में। और ये किस पे काम करता है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंथैल्पी का फॉर्मूला, तो एंथैल्पी का सिंपल फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, H इज इक्वल टू U+PV, ये फार्मूला है, मेन फार्मूला ये है, इसी को क्या कर लिया, शब्दों के टर्म में लिख दिया है। तो ये है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। यू से हम किसको डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को। पी क्या डिनोट करता है, प्रेशर, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एस इज इक्वल टू U+PV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर, एक होता है क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर उसको उन बॉयलर्स को कहते हैं जिसमें जो है फ्लू गैसेज जो है ट्यूब के अंदर फ्लो होते हैं, और जो वाटर होता है ये ट्यूब्स के चारों तरफ होते हैं,
लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है, इसके सराउंड्स, इसके चारों तरफ जो है फ्ल्यू गैसेस होती हैं। फ्ल्यू गैसेस होते हैं जो कोल या फिर फ्यूल को बर्न करने पे जो गर्म गैसें निकलती हैं उन्हें को हम क्या कहते हैं, फ्ल्यू गैसेस। और फ्ल्यू गैसेस के थ्रू ही जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है वो है इसमें लोकोमोटिव बॉयलर और कोकरन बॉयलर, कॉर्निस बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, ये सारे बॉयलर्स आपके जो हैं फायर ट्यूब बॉयलर हैं। और इनको नोट कर लीजिए जो भी मैं बता रहा हूँ, कम से कम बॉयलर से 3 से 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। और वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो बैबकॉक, विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, यारो बॉयलर, ठीक है, ये सब जो हैं आपके वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी आप लोग सेपरेट नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके को स्कोर करने में मदद करेंगे। क्यों, मैं देखिए 3 बार मैंने जो है SSJEE का एग्ज़ाम दिया है और टेक्निकल में मेरा 3 बार 79 से 80 78, ठीक है, वेरिएशन 80 के अराउंड ही रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं और टेक्निकल के बारे में मैं आपको जितना करा रहा हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा, कम से कम 80% क्वेश्चन मेरे वीडियोज से ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, जितना मैं नोट्स बनाने के लिए कर रहा हूँ उतना आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सापेक्ष गति वाले 2 पृष्ठ हैं, मान लीजिए 2 सरफेस हैं, ठीक है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब ये किसी भी एक से इस तरह मूव कर रहा है, ये इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव मोशन में हो रहा है, ठीक है। तो तेल का एडमिटेंस क्या कहलाता है, तो इनके बीच में जो तेल का एडमिटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वाले हैं आप लोग जानते हैं रिलेटिव सर्फेसेस के बीच में जो मोशन होता है वो एडमिटेंस क्या कहलाता है, तो कहलाता है स्नेहक या फिर लुब्रिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल रॉड है थ्रेडेड एट बोथ एंड्स, ठीक है, एक तो होता है आपका बोल्ट, ठीक है, जो कि एक एंड पे जो है इसका हेड लगा होता है और थ्रेड जो है एक ही एंड पे बना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट। लेकिन इसमें क्या बात कर रहा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसके दोनों एंड पे जो है इधर भी और इधर भी थ्रेड बने हुए हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम स्टड कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर लिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था उस एग्ज़ाम में, लेकिन ये देखिए स्टड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग और याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इन हाई स्पीड कंप्रेसर डैश बियरिंग इज यूज्ड, ठीक है, हाई स्पीड जो कंप्रेसर्स होते हैं उसमें कौन सा बियरिंग यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है प्रिसीजन इंसर्ट बियरिंग का हम उपयोग करते हैं, किसमें, हाई स्पीड कंप्रेसर में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेल्टन व्हील टर्बाइन के डिजाइन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जेट रेशियो इन पेल्टन व्हील टर्बाइन। सबसे पहले मैं आपको पेल्टन व्हील टर्बाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। स्पेसिफिक स्पीड तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पेल्टन व्हील टर्बाइन ये क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है, ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है, और इसको हम इम्पल्स टर्बाइन भी कहते हैं। दो चीज़ इसमें क्या होता है कि एक डैम के थ्रू जो है वाटर को स्टोर किया जाता है और इसको जो है पाइप के थ्रू, इसी को हम कहते हैं पेनस्टॉक, इसके थ्रू हम जो है टर्बाइन वैन पे जो है स्ट्राइक कराते हैं और टेंजेंशियली ये स्ट्राइक करता है, ठीक है, इस वजह से इसको हम टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन भी कहते हैं। ये जो है आपका बकेट है और यहाँ से जो निकल रहा है वो जेट है, तो जेट डायमीटर क्या होता है, स्मॉल डी, और बकेट डायमीटर को हम कैपिटल डी से नोट करते हैं। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, जेट रेशियो, रनर डायमीटर डिवाइड बाई जेट डायमीटर इज नोन एज जेट रेशियो, ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखिए पिच डायमीटर ऑफ व्हील या फिर रनर इसको हम बोलते हैं, डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ जेट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफ एट द इनलेट ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल देन द नेम द टर्बाइन। तो अभी मैंने आपको बात की है कि पेनस्टॉक के थ्रू ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम नोजल फिट कर देते हैं, नोजल से क्या होता है, जेट निकलता है।
तो नोजल क्या करता है, ये जो स्टैटिक एनर्जी होती है इसको किस में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और काइनेटिक एनर्जी से ये जो है पिस्टन व्हील के वेंस पे स्ट्राइक करता है टेंजेंशियली। और यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता है, प्रेशर जो होता है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो यहाँ पे जो इनलेट पे अवेलेबल होता है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये कौन सा टर्बाइन हो गया आपका, इम्पल्स टर्बाइन, या फिर हम कह दें पिस्टन व्हील टर्बाइन, ठीक है। पिस्टन व्हील टर्बाइन और इम्पल्स टर्बाइन दोनों सेम ही चीज़ है एक तरीके से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन या फिर टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, और इसी को हम क्या कहते हैं, पिस्टन व्हील टर्बाइन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया, क्या कह रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इसको एक्स से हम डिनोट करते हैं, और ये होता है मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ फ्लूइड। एक कंटेनर है इसमें, ठीक है, इतने मास ऑफ फ्लूइड mf है और मास ऑफ वेपर है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, कितना ड्राई है, ठीक है, ये मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू रखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है, 1.5 kg वाटर है, ठीक है, विथ 50 kg स्टीम। तो स्टीम की वैल्यू कितनी दे रखा, 50 kg डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 50 + 1.5, 51.5। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.97। ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, 0.97। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहा है, द क्लियरेंस रेशियो इज जनरली बिटवीन। तो क्लियरेंस रेशियो किस में वेरी करता है, तो ये 4% से 10% के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो बात करते हैं कंप्रेसर रेशियो की। सबसे पहले जो कंप्रेशन रेशियो आपका होता है, ये होता है VC + VS / VC, ठीक है, ये तो आपका होता है कंप्रेशन रेशियो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, क्लीयरेंस रेशियो। तो क्लीयरेंस रेशियो क्या होता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम, ये होता है आपका क्लीयरेंस रेशियो, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4% से 10% के बीच में वेरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई प्रेशर बॉयलर, यहीं पे आप लोग दीजिए, देख लीजिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस अभी हो गए, 16 क्वेश्चंस के अंदर ही 3 से 4 क्वेश्चंस बॉयलर के हो गए। तो बॉयलर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कम इसका सिलेबस है, ठीक है, कम सिलेबस में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बॉयलर से, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार करिए, एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराने के लिए, किस तरीके से आप जो है बॉयलर के क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई प्रेशर बॉयलर, तो ये जो है वेलॉक्स बॉयलर जो है आपका, ये हाई प्रेशर बॉयलर है, बाकी लंकाशायर, कोकरन और कॉर्निश जो है ये लो प्रेशर बॉयलर हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फ्लूइड मैकेनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो इसमें से क्या करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है डेटम लाइन है, यहाँ से हम प्रेशर मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जो भी प्रेशर हम मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। और ये जो डेटम लाइन है इसके रेफरेंस में अगर हम कोई भी प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर, तो वैक्यूम प्रेशर कहाँ पे वेरी करेगा, यहाँ पे, ठीक है, इस रेंज में वैक्यूम प्रेशर वेरी करेगा। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ही होता है वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें से अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर ये है, इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका प्रेशर निकल के आ जाएगा वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। जब यहाँ पे पैरेलल बोल ही दिया तो सोचने की कोई बात नहीं है, पैरेलल फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ये आपका लाइक पैरेलल फोर्स हो गया, और यहीं पे बात करें ये आपका हो गया अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, ये लाइक पैरेलल फोर्स हो गया, ये जो है अनलाइक पैरेलल फोर्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपसे केवल पैरेलल फोर्स का बोला है, तो इसमें क्या कह देंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ये देखिए
ये जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल टू ईच अदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ए रियल फ्लूड इन विच सीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। अब बात करते हैं हम फ्लूड की, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड, ठीक है। तो इस तरीके से एक पेपर में अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, इधर टाउ और इधर क्या होता है डी यू और डी वाई। इस पे हम शो करते हैं आइडियल सॉलिड को, ठीक है। इधर होता है आपका आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड मतलब नॉन विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है उसको हम क्या कहते हैं आइडियल फ्लूड कहते हैं। ये आपका शो करता है न्यूटोनियन फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड, ठीक है। ये आपका होता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूड, ठीक है। और ये लाइन जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है डाइलेटेंट फ्लूड, ठीक है। यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन बना देते हैं, तो ये हो जाता है आपका बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, ये होता है आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड, और ये जो है रियोपेक्टिक फ्लूड। ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पे ये ग्राफ ड्रा करके दे देता है और ए लिख देता है ए बी सी डी करके ऐसे पूछ देता है, तो फिर पूछता है कि ए किस फ्लूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो क्या कह रहा है इसमें, ए रियल फ्लूड इन विच सीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, ठीक है। प्रोपोर्शनल है मतलब क्या, इंक्लाइन लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सीयर स्ट्रेस इधर हो गया, इधर क्या हो गया डी यू और डी वाई, रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू और डी वाई, ठीक है। ये जो फॉलो करता है ये कौन सा फ्लूड कहलाता है, न्यूटोनियन फ्लूड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ए पोर्शन ऑफ वाटर इज डिस्चार्ज्ड व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन टू ब्लो आउट मड स्केल आर सेडिमेंट्स पीरियोडिकली, ठीक है। जो आपका बॉयलर होता है उसमें क्या होता है वाटर फिल करते हैं, वाटर में कुछ कचरा होता है, मड होता है, ठीक है, या फिर स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, तो कुछ स्टोर हो जाता है यहाँ पे नीचे, तो उसको हम किस रास्ते जो हम निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, पोर्शन ऑफ वाटर डिस्चार्ज व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन टू ब्लो आउट मड स्केल या फिर सेडिमेंट्स पीरियोडिकली, पीरियोडिकली हम इसको रिमूव करते हैं किससे, तो इसको हम क्या कहते हैं ब्लो ऑफ कॉर्क, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ब्लो ऑफ कॉर्क। बाकी सेफ्टी वाल्व आपका सेफ्टी पर्पज के लिए होता है, फ्यूज वाल्व मतलब क्या होता है कि हाई ओवर हीटिंग ना हो जाए, ओवर हीटिंग होता है तो यहाँ पे जो है ये अपने आप मेल्ट कर जाता है, ऐसे मेटल का बना होता है और जिससे क्या करता है आपका फर्नेस बुझ जाता है। फीड चेक वाल्व, ये जो है फीड वाटर को फिलअप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बॉयलर में एक या अधिक पट्टिकाओं को एक बेलनाकार में झुकाया जाता है और एक साथ रिवेट या वेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बॉयलर का सेल, इसको सेल कहते हैं, ठीक है। ये रिवेट के द्वारा एक दूसरे में एक या अधिक पट्टिकाओं के बेलन के आकार में झुकाया जाता है और रिवेट या फिर वेल्ड करके इसको हम यहाँ पे रिवेटिंग कर देते हैं या फिर वेल्डिंग करके इसको बनाते हैं, ये क्या कहलाता है सेल कहलाता है, ठीक है। ग्रेट क्या होता है, ग्रेट एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम कोल या फिर फ्यूल को रख के बर्न करते हैं, ठीक है। माउंटिंग आपका जो होता है ये सेफ्टी पर्पज के लिए होता है, सेफ ऑपरेशन के लिए, बॉयलर के सेफ ऑपरेशन के लिए हम जो है माउंटिंग का यूज करते हैं। रेफ्रेक्ट्री क्या होता है, रेफ्रेक्ट्री होता है हाई टेम्परेचर, जो वो ईंट होते हैं, वो ब्रिक्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर जो है झेल सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेक्ट्री ब्रिक उनको हम कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रेफ्रिजरेंट्स बिलोंगिंग टू द फ्रेयॉन ग्रुप, फ्रेयॉन ग्रुप जो आपका होता है उसमें कौन से रेफ्रिजरेंट लाई करते हैं, तो जो हेलो कार्बन होते हैं, हेलो कार्बन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं फ्रेयॉन ग्रुप। इसमें क्या होता है आपका फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन, इस टाइप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं हेलो कार्बन या फिर फ्रेयॉन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अभी देखिए पीछे मैंने सी पी बाई सी वी किसके लिए पूछा गया था, पूछा था तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए पूछा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसका किसके लिए पूछ रहा है, तो ये ट्राई एटॉमिक गैस के लिए यहाँ पे सी पी बाई सी वी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सी पी बाई सी वी की वैल्यू मैंने आपको बताया था मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 1.16,
तो सीपी बाई सीवी की वैल्यू जो डायटोमिक गैस के लिए होता है, सीपी बाई सीवी डायटोमिक गैस के लिए होता है, ये होता है 1.4। यहाँ पे क्या पूछा गया ट्राईटोमिक गैस के लिए, तो सीपी बाई सीवी की वैल्यू जो ट्राईटोमिक गैस के लिए होता है वो होता है 1.3। नंबर ऑफ एटम्स जैसे इंक्रीज होते हैं गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। सीपी आपका कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सुपर स्ट्रक्चर हैज़, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर का। ये बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आपका जो डिग्री, स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज ए रिवर्स ऑफ, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो किसका रिवर्स होता है, तो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है उसका रिवर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोगों से मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, और ये 25 क्वेश्चन लगभग आपके 50 क्वेश्चन के बराबर हैं, ठीक है। जो एडिशनल फैक्ट मैंने बताया वो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और आपके क्वेश्चंस इसमें से रिपीट भी होते हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको कंटेस्ट कर लीजिए और नोट जरूर बनाइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।